लोगों से पूछो तो ये आरएसएस के लोग कहेंगे या तो मोदी जी को वोट दे दो नहीं तो केजरीवाल को दे दो। तो मैं केजरीवाल का ही पढ़ रहा था कि 68 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए पराली के डिसोल्यूशन वाले केमिकल को खरीदने में। अच्छा, और उसके लिए जो उन्होंने बयान दिए जो एडवर्टाइजमेंट छपवाए उस पर खर्च किए 32 करोड़ रुपए। यानी अगर 35 रुपए में 1 रुपए की तो आप वो दवाई खरीदो और 34 रुपए की अपनी पब्लिसिटी कर लो। जी, तो समझो एक बात कि जो मोदी जी करते हैं वो ये छोटा मोदी है ये केजरीवाल, और जो केजरीवाल करता है ये बड़ा मोदी है मोदी। तो आप इन दोनों चीजों को अगर समझ लेंगे तो समझ आ जाएगी कि ये देश में हमें जो है विकल्प भी जो है वो मोदी जी तय कर रहे हैं मेरा विकल्प कौन होगा। हाँ। आरएसएस तय कर रही है हमारे विकल्प कौन होगा। पंजाब में कौन है, पंजाब में इन्होंने झूठ बोला कि 300 हम जो है यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे, अभी तक नहीं दी, अभी तक वहां के लोग रो रहे हैं। दिल्ली में वो कह रहे हैं जी हम जो है लोगों से राय शुमारी करेंगे कि ये पूछेंगे जी कि तुम्हें बिजली चाहिए नहीं चाहिए फ्री। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और रविंद्र कुमार जी से आज हम बात करेंगे। बहुत ही अहम कुछ इश्यूज़ हैं जो इस पूरे हफ्ते में जो कुछ आपने हमने खबरें देखी हैं सुनी हैं उसके बारे में चर्चा होगी, और उसमें बहुत ही बेबाक अंदाज में रविंद्र कुमार जी अपनी बात रखते हैं। आप हमेशा उनको पसंद करते हैं। इस वक्त जो एक बड़ा मुद्दा अहम इशू है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह वाले मामले में सरकार को जो है वो लताड़ा है और ये कहा है कि कोई नया केस दर्ज ना करें, और जो केस दर्ज हुए हुए भी हैं उनको राहत देने की बात की गई है। कहा गया है कि अपने नीचे निचली अदालतों में जाएं, और एक तरह से इशारा है कि उनको जो लोग जेलों में बंद हैं उनको बहुत जल्दी शायद बेल मिलने का सिलसिला शुरू हो जाए। तो ये एक बहुत ही अहम इशू है, क्योंकि सरकारें और न सिर्फ बीजेपी की सरकार बल्कि और पार्टियों की सरकारें भी अपने मुखालिफों को देशद्रोह का ये लगा करके मुकदमा और लोगों को जेलों में बंद करने का सिलसिला चल रहा था। बीजेपी ने बहुत कुछ ज़्यादा ही किया है। इसके अलावा वसीम रिजवी जो अब त्यागी जी बन चुके हैं, अदालत उनके बारे में बहुत ही दिलचस्प बात कह रही है। वो ये कह रही है कि ये आदमी देश में एक तरह से नफरत फैलाने में लगा हुआ था, और ये जेल से बाहर आएगा तो फिर यही काम करेगा। यानी इसमें भी अदालत ने एक तरह से बीजेपी और आरएसएस के प्लान को नाकाम करने की बात कही है, एक इशारा दिया है। ये बहुत ही अहम है। और तीसरी बात ख़ास तौर पर यह कि अप्रैल महीने में तकरीबन 8% महंगाई हुई, और उसमें खाने पीने की के सामान, तेल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें महंगाई हुई, और ये एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद ऐसा कुछ हुआ है। इस सब पर भी बात करेंगे। आप आखिर तक ज़रूर जुड़े रहें ताकि आपको रविंद्र कुमार जी की बात, उनकी जो विश्लेषण का तरीका है और जो बेबाक अंदाज में अपनी बात करते हैं वो काफ़ी अहम है। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए, आप वकील हैं और आप एक लंबे अरसे से, ख़ासतौर पर ये सरकार जब से आई है 2014 से, उसके बाद ये 124A देशद्रोह, सेडिशन जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है, मुल्क से गद्दारी उर्दू में कहा जाता है, वो क्यों ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ा? आप इसको कैसे देख रहे हैं? मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले तो हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि जब ये देशद्रोह की धारा जो है आईपीसी में जोड़ी गई। हाँ। जो ओरिजिनल जो आईपीसी बना था, हाँ, 1860 का, तो उसमें
124 धारा थी, 124 धारा ए नहीं थी, ए को अंग्रेजों ने बाद में जोड़ा और उसको ये कहा कि देशद्रोह के मामले में आजीवन कारावास की सजा जो है दी जा सकती है। तो एक तो ये कृत्रिम धारा है जो कि आईपीसी का जो टोटल स्ट्रक्चर है उसमें नहीं थी, ये बाद में जोड़ी गई। दूसरा ये था कि ये धारा जो है बड़ी वेग है। केदारनाथ सिंह का मामला था जो बिहार गवर्नमेंट के बीच में चला और 1962 का बड़ा चर्चित फैसला है जिसमें अदालतों ने कहा कि जब तक आप हथियार बंद युद्ध शुरू ना करें तब तक वो देशद्रोह नहीं है, नहीं हो सकता। यानी कहे हुए शब्दों को लेकर के आपको भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये बात जो है आईपीसी की धारा 124 ए के तहत जो है कहीं भी देशद्रोह का मामला नहीं बनती। और भी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा और उसको कहा, सरकार को सलाह दी कि आप इसका इस्तेमाल जो है अकल लगा कर करें, यानी हर एक पे ना थोपें। लेकिन आप देखिए जब से बीजेपी की सरकार आई है पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग जो है 316 मामलों में उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां पर कि योगी जी कहते थे इस पे लगा दो देशद्रोह का मामला, इस पे लगा दो एनएसए, वो सीएए और एनआरसी के खिलाफ भी जो प्रोटेस्ट, सब पे लगा दो। यानी अगर कोई मुख्यमंत्री की आलोचना करे कि मुख्यमंत्री जो है गलत है, मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, इस पे भी वो देशद्रोह का मुकदमा लगा। तो इस कानून का इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया गया कि जिसकी वजह से ये मामले जैसे होता है ना एक चीज़ की इंतहा हो जाती है, तो वो जो मामले अब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की जो बेंच है उसने इस पर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया और उन्होंने कहा कि गलत है ये कानून, इस पर हम जो है विचार करेंगे और पूरा फैसला देंगे। केंद्र सरकार को पता है कि 22 अगस्त 2022 को एनवी रमन्ना रिटायर हो जाएंगे, तो इसलिए सरकार ने कहा कि आप इस पर अभी जो है हमें विचार विमर्श करने का मौका दो, सरकार इस पर विचार करेगी। सरकार के विचार करने का मामला ये होता है कि चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे तो एक कंफर्टेबल बेंच आ जाएगी तो हम ऐसा करेंगे। यानी सरकार को भी ये सब हरकतें करनी पड़ती हैं, करती है। सरकार में एक डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट होता है, मैं हमेशा कहता हूँ वो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट का काम ही डर्टी ट्रिक्स करना है। देखिए आप चूंकि वकील हैं आप चीज़ें समझते हैं, मैंने भी कुछ चीज़ें अदालतों में देखी हैं कि जितनी आसानी से आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी जितनी आसानी से एडजॉर्नमेंट सरकार के कहने से हो जाता है उतनी आसानी से किसी एक्यूज के कहने से कभी नहीं होता। नहीं और वो बिल्कुल सरकार के ही इशारे पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, रजिस्ट्रार के यहाँ से बैठ करके डेट आगे बढ़वा दी जाती है। देखिए आप ये समझिए भाई बनाता कौन है, जज बनाते तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के लोग बनाते हैं, राष्ट्रपति उसको एक्शन देता है, प्रधानमंत्री की पूरी भूमिका होती है। तो और तकरीबन आप देखेंगे जितने सरकारी वकील होते हैं, सरकारी वकील उनमें से 90% जज बनते हैं। तो अच्छा, जजों का जो कोटा है वो उन लोगों का होता है जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए हैं, जो सरकार की यानी एक आदमी का बेंट ऑफ माइंड हो जाता है कि वो मान लीजिए अपीयर पुलिस के लिए होता है और उसे आप जज बना दो तो उसे लगेगा आइयो सही कह रहा है, और जैसे दूसरे को बना दो जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है तो वो कहेगा जी ये गलत कह रहा है पुलिस वाला। तो एक आदमी का माइंड कंडीशनड हो जाता है, यानी पहले से ही जहनी तौर पर तैयार करके ट्रेंड करके तब जज की कुर्सी पे बिठाया जाता है। मैंने एक मिसाल के तौर पर कुछ लोगों से ये बात भी कहते हुए सुनी है कि साहब एक ही खजाने से एक ही ट्रेजरी से जब पुलिस को भी तनख्वाह मिल रही है उसी ट्रेजरी से इन जजों को भी मिल रही है तो आप कैसे इंसाफ की उम्मीद करते हो? नहीं मैं तो कह ही रहा हूँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है ये बड़ी मुश्किल से आती है। कई जज होते हैं जिनकी आप रुख को देखकर कह सकते हैं कि ये सरकार से लड़ने वाली बेंच है, ये सरकार को दुरुस्त कर देगी। एन वी रमन्ना की बेंच को आप कह सकते हैं कि ये ऐसी बेंच है जो कि सरकार को दुरुस्त कर देगी। उससे पहले दीपक मिश्रा की बेंच थी, उससे पहले गोगोई साहब की बेंच थी, तो सब कहते थे सरकारी जज हैं और ये जो है सरकार के फिर में फैसले देंगे, और बाद में लोगों की ये जो राय है ये सही भी निकलती है, 90% सही निकलती है। जब वो राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं तो अब जैसे सरकार को डर क्या था कि एन वी रमन्ना की बेंच के बाद जो है 2.5 महीने के लिए एक जज बनेंगे यूयू ललित, उसके बाद जो है डीवाई चंचूड़ बन जाएंगे। अब डीवाई चंचूड़ जो है अपने रुख के लिए, सरकार विरोधी रुख के लिए, जो है स्वतंत्रता के समर्थक होने के लिए, मानवीय आजादी के लिए उनके जो फैसले हैं, उनका जो कमिटमेंट है, और उनके पिताजी का भी जो था जो कि हिंदुस्तान के 7.5 साल ज्यादा चीफ जस्टिस रहे, तो उससे सरकार को डर लग रहा है।
सरकार को आने वाले समय में डर ये लग रहा है कि ये बेंच जो है हमारे फेवर में कोई नहीं आएगी और ये जनता के हित वाली, लोकतंत्र के हित वाली, संविधान के हित वाली बेंच, यानी वो सीनियोरिटी के हिसाब से जो अब इनके बाद भी चीफ जस्टिस आने वाले हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूँ आने वाले 2024 तक हिंदुस्तान की जुडिशरी बड़ी महदूद और बड़ी सफल जुडिशरी बनेगी। हाँ। क्योंकि अभी जो एन वी रमन्ना ने जो उसकी एक तरह से आधारशिला रखी है और उसके बाद जो है डी वाई चंद्रचूड़ आएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की हम बात सोचते हैं वो ज़्यादा मजबूत होगी और देश के लोगों को इस बात पे गर्व करना चाहिए कि हमारे को ऐसे प्रधान न्यायाधीश अभी भी मिले हुए और आने वाले समय में मिले। लेकिन एक एक बात सामने आई है इसी फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो देशद्रोह वाला है, उसमें एमओएस होम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है कि सबको अपनी हद में रहना चाहिए, यानी एक तरह से आप उसको कैसे देख रहे हैं? चूंकि कुछ दिन पहले वो गुजरात में एक कॉन्फ्रेंस में ये भी कह चुके थे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पुलिस, यानी सबको एक तरह से टीम के तौर पर काम करना चाहिए, यानी वो एक तरह से मैसेज दे रहे थे जिसमें चीफ जस्टिस भी मौजूद थे कि हमें अलग अलग रास्तों में नहीं जाना चाहिए, एक ही तरफ काम करना चाहिए। ये दोनों वक्तव्य एक ही बात के हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेक एंड बैलेंस का है। एक सरकार का अंग अगर गलती करता है तो दूसरा उस पर अंकुश रखे, होना तो यही चाहिए, यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमिंग है वो चेक एंड बैलेंस की है। बिल्कुल, टीम वर्क में वो यही कह रहे हैं कि तीनों को एक दूसरे से घुल मिल जाना चाहिए, वो भी वही यही वक्तव्य है कि अपनी सीमा लांघनी नहीं चाहिए, यानी एक बात को आप साम दाम दंड भेद की तरह से अभिधा लक्षण। तो ये मोदी जी की सरकार की तरफ से जुडिशरी को धमकी नहीं है? जुडिशरी को धमकी नहीं है क्योंकि मोदी जी को लगता है कि मैं जो भी कुछ करता हूँ अगर उसमें जुडिशरी टांग अड़ाती है तो आज भी देश में सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी संस्था की है तो वो जुडिशरी की है। लोग संसद के लोगों को आप कह दो सारे चोर हैं, लोग मान लेंगे। आप ये कह दो कि सारे पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, सारी आर्मी में जो है गड़बड़ हो रही है, सरकार के सारे अंगों में भ्रष्टाचार है, सब मान लेंगे। लेकिन जुडिशरी के प्रति लोगों के मन में आज भी आदर है और सरकार को वो आदर जो है अपना निरादर लगता है। अच्छा, कई मौक़ों पर ऐसा होता है कि नीचे की अदालतों से भी लोग अगर सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद में बार बार यही कहते रहते हैं कि अदालतों में हमें विश्वास है, तो वो ये तो आपको कहना पड़ेगा। ये तो आप समझिए वो ऐसी बात नहीं है कि जो मन से कह रहा हूँ। अच्छा, ये तो आपकी मजबूरी है, मी लॉर्ड मैं आपके पास आया हूँ, तो मी लॉर्ड तो आपको बोलना पड़ेगा चाहे आप उसको मन में गाली दे रहे हो। जी, लेकिन इज्जत जो होती है अगर आप किसी जज की करते हैं, किसी संस्थान की करते हैं, तो वो आपके चेहरे पर आ जाती है, आपकी आंखों में चमक आ जाती है कि मैं सही जगह हूँ। लेकिन आज के समय में मैं आपको बता दूं 90% जुडिशरी से मैं भी पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। जज जो है रिश्वत लेते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और हर आदमी का अनुभव यही मिलेगा कि वो लोकल यानी छोटी कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, तो वो ये नहीं ढूंढता कि मैं कानून मेरे पक्ष में है। वो सोचता है जज को अगर आप जानते हो तो आप अच्छे वकील हो, जज को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको अपना मुकदमा नहीं दूंगा। ये आज के समय में धारणा बन चुकी है और 90% लोगों की धारणा है ही। तो ये खुद अपने आप में बहुत ही बुरी बात, शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। इस तरह से इंसाफ कैसे मिलेगा? अब आप ये सोच लीजिए कि अगर किसी ने गुनाह किया है और उसकी एक तरह से जिसे कहते हैं सेटिंग जज से हो गई वकील के जरिए, तो वो गुनाहगार जो है, जो बेगुनाह है वो गुनाहगार और जो गुनाहगार है वो बेगुनाह, तो इंसाफ नहीं मिलता। ये बहुत ही खतरनाक चीज़। अच्छा, वसीम रिजवी जो अब त्यागी जी बन चुके हैं और उन्होंने बड़ी कुरान की 26 आयतें निकाल करके फाड़ के ऐसे फेंक दी और नया कुरान भी छाप दिया और अब इस हद तक गिर गए कि उन्होंने किस किस तरह से लोगों का मन और दिल और आस्था नहीं यानी तोड़ी, अब वो जेल में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके लिए कहा है वो क्या है? वो भी चूंकि अदालतों से मुताल्लिक, देखिए कल ही इस बात की बहस सुप्रीम कोर्ट में थी और जस्टिस अजय रस्तोगी ने इस बात को कहा कि तुम सारा वातावरण जो है दूषित कर रहे हो। उन्होंने वसीम रिजवी के वकील से कहा कि हम जो है इस मामले की जो जांच कर रहे हैं वो सिर्फ जमानत के लिए नहीं कर रहे, हम सजा, गिरफ्तारी और बेल और सारी बात को लेकर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि हम सबको सेंसिटिव होना चाहिए, देश को, लोगों को, लेकिन सबसे पहले खुद तो सेंसिटिव बनो। तो वो एक्चुअली में समझिए सिद्धार्थ दूसरा जो कि त्यागी जी के वकील
थे, उनको नहीं कह रहे थे, वो एक तरह से एड्रेस त्यागी को कर रहे थे कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी जो है वो समाज में गंदगी फैला रहा है। और उन्होंने कहा कि प्रॉफिट के बारे में उन्होंने जो गलत बातें की और एक धर्म विशेष के लोगों को एक तरह से उन्होंने चोट पहुँचाई, वो जो है समाज में युद्ध के लिए आह्वान करने लायक है और वो हेट स्पीच है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर पिछले दो महीने से जो अपना कड़ा रुख लिया है, और दूसरी तरफ आप देखिए हेट स्पीच करने वालों का रुख जो है वो भी उतना ही कड़ा है। क्योंकि अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया। तो वसीम रिजवी के मामले में जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उन्होंने टाइम भी नहीं दिया, उन्होंने कहा 17 तारीख को हम इस पे जो है डीजीपी जो उत्तराखंड के उनकी बहस सुनेंगे, उनके तथ्य जानेंगे और तभी वो फैसला करेंगे। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि हेट स्पीच की सीमाएं क्या है। आप जो है अपने हक के लिए किसी दूसरे को इस हद तक बदनाम नहीं कर सकते कि आप कहें कि मार देंगे, मर जाएंगे, मिटा देंगे। और अभी आपने देखा होगा जो सुदर्शन टीवी के जो चौहान के हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने ही कहा कि एफआईआर दर्ज करो, और इसी वजह से जो साउथ ईस्ट की जो डीसीपी हैं ईशा पांडे, उन्हें अपने जो उन्होंने एक अपनी हलफनामा दिया था कोर्ट में कि जी उन्होंने जो है हेट स्पीच नहीं दी, उसको मानना पड़ा, हाँ जी हेट स्पीच है। और अब जो है अशोक चौहान के जो कि सुदर्शन टीवी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, जो कि हमेशा जो है मार डालो, काट डालो, जान दे दो के नारे लगाते रहते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज, और अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। सबसे बड़ी बात देखिए 10 दिन हो गए पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, और पूरी घटना को देखें तो अच्छा, इसमें बिल्कुल तालमेल नहीं हो रहा। जो वो तालमेल में क्या, वो पुलिस छुपी हुई है, पुलिस तो जिक्र भी नहीं करती। अशोक चौहान के सुदर्शन टीवी लोगों को पता ही नहीं है कि इसके खिलाफ हेट टीवी में जो चांदी वाला ऑडिटोरियम में कालका जी में है, गोविंदपुरी में है, वहां पर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, लोगों को नहीं पता, पुलिस ने भी नहीं बताया। आप देखिए अमानुल्लाह खान को तो कल ही बंद कर लिया, ये बुलडोजर का विरोध कर रहा है, और जो आदमी कह रहा है कि हम जान दे देंगे और जान ले लेंगे, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट की वजह से एफआईआर दर्ज हुई है, उसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। तो अशोक चौहान के को अरेस्ट ना करा जाए, यही बताता है कि ये हेट स्पीच की समर्थक पुलिस है। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरी सरकार हेट स्पीच की समर्थक है। और सब अदालत में भी इस किस्म के ऑब्जर्वेशन आए कि सब मुस्कुराते हुए कहें तो कोई बुराई नहीं है। वो तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब हैं चंद्रधारी सिंह, उन्होंने कहा अगर कोई हंस के कोई यानी कोई गलत बात करे, रेप भी करे तो वो चल जाएगा। अच्छा अच्छा, दूसरी तरफ कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जुमला कहना क्या ठीक है? वो तो एक दूसरे जज साहब है, उन्होंने कहा जी आपने प्रधानमंत्री को जुमला कह दिया, और उन्होंने कहा जी अब आया पहाड़ के नीचे। तो इसका मतलब है हिंदुस्तान के जो जज बनते हैं हाई कोर्ट के, उन्हें हिंदी के मुहावरों का मतलब नहीं पता। उन्हें नहीं पता अभिधा लक्षण व्यंजना तीन तरह से होता है। जैसे मैं किसी आदमी को कहूं ये जज गधा है, तो एक तरह आएगा कि मैं उसको कह रहा हूं कि ये गधा है, इसके चार टांग है, पूंछ है और गधे जैसा मुंह है। दूसरी मैं कहूं नहीं ये गधा है, तो गधा का मतलब अपने दिमाग से ये गधा है। और फिर मैं कहूं नहीं ये गधे जैसा है, जिसे व्यंजना कहते हैं, तो गधे जैसा मतलब इसका व्यवहार गधे जैसा है ये आदमी। तो दिल्ली के हाई कोर्ट के जज को अगर ये नहीं पता अभिधा लक्षण व्यंजना क्या होती है, मुहावरे का मतलब क्या होता है, जुमला शब्द किसने बोला, यानी कि अगर हम कहें कि हिंदुस्तान का गृह मंत्री अमित शाह मोदी जी के कई बात को कहे जुमला है तो ठीक है, और मैं कहूँ ये जुमला है तो वो कहेगा ये बड़ा बड़ा अपराध है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार और अदालतें अगर ड्रेस और एड्रेस को देखकर लोगों का ट्रीटमेंट करती हैं तो गलत है, और ये कानून के राज को खत्म करने की कोशिश है। ये बहुत ही आपने अहम ऑब्जर्वेशन दी, बहुत ही अहम बात कही। अच्छा आप चलते हैं महंगाई वाले इशू पर। महंगाई अप्रैल में एक लंबे अरसे से कितने वर्षों के बाद तकरीबन 8% 7.79% महंगाई बढ़ी है। दूसरी तरफ बेरोजगारी ऐसी है कि लोगों का पेट भरना मुश्किल है, हर तरफ हाहाकार है। इस बीच में इस महंगाई और इस महंगाई में सबसे बड़ा रोल तेल, पेट्रोल, डीजल की कीमतों के बढ़ने के बहाने सब लोग कीमतें बढ़ा लेते हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ है आगे, क्या कुछ हम देखने वाले हैं? ये बहुत ही तकलीफ दे बात है कि इंसान अपना पेट भी ना भर सके। देखिए 8वां साल हो रहा है मोदी जी का, अब मई के महीने की बात है ये, 26 मई को मोदी सरकार अपने 8 साल मनाने जा रही है। जी जी जी। और 21 तारीख से शुरू हो जाएगा धूमधड़ाका, एडवर्टाइजमेंट आएंगे, विशेष कार्यक्रम होंगे गोदी मीडिया पे, और दिखाया जाएगा मोदी जी ने 8 साल में अचीव किया। और उसी 8 साल में
रिजर्व बैंक कह रहा है कि महंगाई जो है असीमित दर से बढ़ गई। आज जो है मई के अप्रैल के डाटा ही है जी जी जी। जो अभी आया 7.79% महंगाई बढ़ी है। अप्रैल के बाद अब मई का आएगा तो वो 10% हो जाएगी, इससे और बढ़ावा मिलेगा जी। तो मोदी जी ने 8 साल की उपलब्धि है ये कि महंगाई इतनी कर दी है कि आम आदमी ना खा सकता है ना पी सकता है, पानी भी पीने के लिए उसके पास पैसे नहीं आज के समय में। आप देखिए कोई भी चीज जो खाएगा, यानी सबसे सस्ती चीज आलू होती थी, बिल्कुल वो 40 रुपए किलो है। टमाटर तो भूल जाए आदमी के, वो अब जो है बाजार में 70-80-100 रुपए बिक रहा है। ऐसी हालत में सब्जी कोई जो है ऐसी है नहीं जो 50 रुपए से कम हो भाई। अब नींबू 250 ग्राम खरीदने वाले लोग कम रह गए, मैं कह रहा हूँ तो लोगों ने आदत छोड़ दी। लोग जो है हिंदुस्तान के बड़े सहनशील है, हिंदुस्तान के सहनशील लोग इतने हैं कि वो किसी पे सवाल नहीं करते। अगर वो लगेगा कि अगर जैसे किसी परचून की दुकान पे गया, उसने कहा कि घी का रेट जो है 750 रुपए किलो हो गया है, देसी घी का, शुद्ध देसी घी का, तो वो कहेगा घी खाना छोड़ दो, बताएगा, मन को तसल्ली देगा, घी खाने से बीमारी हो जाती, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो हिंदुस्तान के आदमियों को एक गुट्टी दी गई है कि आत्मसंतोष करो, और दूसरा दिया गया है कि सब जो हो रहा है ये कुदरत की वजह से हो रहा है, ईश्वर का, ये आपकी किस्मत है, आपकी किस्मत है, क्योंकि आपके आपकी उम्र बढ़ गई है, आपके जो देसी घी खाने का जमाना नहीं रहा। नहीं सब इसी दौर में बच्चे भी तो हैं, कोई सभी की उम्र थोड़ी तो बच्चों को भी सिखाए देते हैं ना, बच्चों को तो मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने देसी घी की शक्ल नहीं देखी। हाँ वो देसी घी नाम की चीज ही नहीं जानते। बिल्कुल, अरे साहब अब तो वैसा नॉर्मल घी खरीदना मुश्किल हो जाएगा अगर इसी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। मैं भी तो कह रहा हूँ महंगाई पे ये सरकार जो है कोई नहीं बोलती, मोदी जी रोज भाषण देते हैं, मोदी जी का मंत्रिमंडल रोज भाषण देता है, लेकिन महंगाई का मोदी जी मजाक में कहते थे कि मनमोहन सिंह सरकार महंगाई का मां बोल के राजी नहीं है। हाँ। लेकिन आप देखो मोदी जी तो बोलते ही नहीं। हाँ। मोदी जी ने महंगाई पे कोई भाषण दिया हो आपको याद है? नहीं, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कोई भाषण दिया? जब तक वो पीएम नहीं बने तो उससे पहले तो फूंक देते तो देते थे। 8 साल की बात कर रहे हैं। हाँ। 8 साल की करतूत तो बताती है कि इन्होंने जो है लोगों का जीना हराम कर दिया है, लोगों का खाना पीना हराम कर दिया है। हिंदुस्तान के आम आदमी के चेहरे को अगर आप सड़क पे देखेंगे तो पिचका हुआ मुंह मिलेगा, आंखें गड्ढे में मिलेंगी, शरीर पे जो है जैसे फैट है बिल्कुल नहीं होगा, और लगेगा ये भिखमंगा कहां से आ गया। यानी विदेशों के किसी आम आदमी की फोटो खींच लो और हिंदुस्तान के आम आदमी की फोटो खींच लो, एब्रप्टली हर एक के पास कैमरा है, खोल के देख ले कि यूके का आदमी कैसा है, इंग्लैंड का, अमेरिका का, कहाँ का है, पाकिस्तान का देख ले, हट्टे घट्टे मिलेंगे। हाँ। हमारे सारे दुबले पतले मरे गिरे मिलेंगे। जी, जी, तो जी। ऐसी हालत में आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की हालत जो है, हिंदुस्तान की जनता की हालत महंगाई से ऐसी हो गई है कि वो बिल्कुल मरने के करीब पहुंच गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे रेगिस्तान में रेगिस्तान के जो जानवर होते हैं वो बिल्कुल सूखे सूखे से मिलेंगे। बिल्कुल 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 इसी तरह से भारत के लोग जो है चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं मिल रही है। मुस्कुराहट तो जब आएगी जब पेट भरा होगा, जब आदमी का पेट भरा है, आत्मा खुश है, तब चेहरे पे आपस में मजाक, हंसी, खेल, एंटरटेनमेंट, ये सब चीजें जो होती थी वो सब ऐसा लग रहा है कि गुजरे हुए जमाने की बात हो। नहीं वो तो देखो कुदरत की बात है या विज्ञान की तरक्की है, हर एक आदमी कैमरा है, वो आप मेट्रो में चढ़ जाओगे तो सब उसमें लगे मिलेंगे, सड़क पे खड़े होगे तो उसमें लगेंगे, शादियां होंगी तो उसमें लगे मिलेंगे, घर में भी उसी में लगेंगे, अरे सब मस्जिद और मंदिर में भी इसी में लगे मिलेंगे। तो आप समझ लो तो जो है मुस्कुराने की तो बात आती नहीं, सिर्फ मन के ख्याली पुलाव हैं जो वो इस पे पकाते भी हैं और खा भी लेते हैं। जी 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 जी। तो ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। हम लोग बहरहाल हल्का सा हल करके, हंस करके, मुस्कुरा करके शायद आपको भी थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश हमने की, लेकिन हकीकत यही है कि लोग मुस्कुराते हुए नज़र नहीं आते, और कहीं भी अगर कहीं हल्की सी खुशी नज़र आए तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। कहीं भी बस इतनी कमी रह गई है कि कोई सरकारी यूनिफॉर्म पहन करके सड़क पर आपके घूंसा मारे और जेब से पैसे खींच ले। नहीं वो हाल आ गया। हाँ, अब वो हाल आ गया। अभी तो अभी CBI ने अपने 8 सब इंस्पेक्टरों को इस बात के लिए अरेस्ट किया है। जी जी। जो फर्जी तरीके से जो है एक आदमी को डरा कर उसे 25 लाख रुपए वसूल लिया। जी जी। तो खुद ही रक्षक बक्षक बन गए, जो कहावत है। हाँ। और आप देखिए देश में खुशी की बात है तो सरकार एक ही चीज में खुशी बताती है कि शेयर बाजार ऊपर चल रहा है। शेयर बाजार का जो मार्केट कैप है वो जो है 265 लाख करोड़ का हो गया है, ये वो बताते हैं। अच्छा। अब जो है पिछले 7 दिनों में यानी 5 सेशन चले हैं, उसमें शेयर बाजार जो है 61,000 से घटकर जो है 52,000 पे आ गया है, यानी कि 9,000 पॉइंट गिर गया है। देश की जनता का तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब गया है। बताइए। और ये जो पैसा डूबता है बड़े इंडस्ट्रीज का नहीं डूबता। हाँ, ये आम लोगों का, ये आम लोगों का डूबता है जो मिड कैप वाले होते हैं, जो बेचारे किसी के जिम्मे 5,000 हैं, किसी में 10,000 हैं, कि शायद मेरा भाग्य या चेत जाए, कुछ पैसे मिल जाए, कुछ टिप आई बचता है इधर उधर से, तो वो भी जो समझो उसमें भी उन बेचारों
20 लाख करोड़ चले गए और इकोनॉमी का ये हाल है कि आज के समय में अगर डॉलर कहें तो मोदी जी बड़ा तंज मारते थे कि जिस देश का डॉलर गिरता है, विदेशी मुद्रा गिरती है, रुपया गिरता है, उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। अब मोदी जी के राज में जो है डॉलर जो है 78 रुपए के आसपास घूम रहा है, तो 78 रुपए बहुत ज्यादा है। एक रुपया अगर डॉलर का रेट जो है बढ़ता है और रुपए की एक्सचेंज वैल्यू करती है तो हिंदुस्तान का जो कर्ज है वो 12,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। जी जी, ये कैलकुलेशन आपको आपको कहीं नहीं मिलेगी जिस तरह से रविंदर जी बता रहे हैं। तो पिछले आप देखिए, यानी अगर 4 रुपया गिर गया है, डॉलर 78 रुपए का हो गया है, तो आपके ऊपर 50,000 करोड़ रुपए का तो लोन बढ़ गया है। और दूसरा जो है, फॉरेन इन्वेस्टर भाग रहे हैं। हमारा जो विदेशी मुद्रा बाजार है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती थी 610 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, वो बड़े गर्व से बताती थी, वो 500 रह गया है। यानी कि 20% जो फॉरेन रिजर्व थे, जिन्होंने बाहर से इन्वेस्ट किए हुए थे, वो लेके वापस चले गए, वो भाग गए। और इसका मतलब आप समझिए, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि सन 2022 में हम 5वें महीने में हैं। आपने कहीं नहीं सुना होगा नई कोई फैक्ट्री लगी है, नई किसी रेल का उद्घाटन हुआ है, नई किसी परियोजना का आधारशिला रखी गई है। मोदी जी ने आप देखें किस बार जो है, कब जो है आखिरी बार जो है किसी पुल का या किसी चीज का उद्घाटन किया था, वो पुराने पुलों की मरम्मत शिलान्यास तो करके आ जाते हैं, शिलान्यास भी नहीं किया। वो सारे शिलान्यास जो है मनमोहन सिंह की सरकार ने किए थे और वो सारी योजनाएं पूरी हो गई, तो उनके फीते मोदी जी ने काट दिए और फीते काट के बताए हमने ये किया, हमने ये किया, ये किया। लेकिन जब से मनमोहन सिंह की सरकार गई है, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 50 परियोजनाओं के पत्थर जो है मोदी जी ने शिलान्यास में नहीं रखे हैं। ये बहुत ही बहुत बड़ी बात है और ये एक रिकॉर्ड है। यानी सरकार, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और उसमें तरक्की के कोई काम ना हो पाए। तरक्की के काम क्या, वो कहते हैं जी रेल बंद कर दो। अभी हमने देखा जी बिजली संकट है, तो हमारे पे यात्री ट्रेनें बंद 1,000 रद्द कर दी और ईद के मौके पे रद्द कर दी, ये जो है अपने घर ना जा पाए। ये हर चीज में शटडाउन तो होता है इनका। और आप देखिए उसके बाद जो है, आज भी रेल की हालत अच्छी नहीं है, हवाई जहाज की हालत अच्छी नहीं है। और आप देखेंगे कि जो आम आदमी को जो शिक्षा है, अभी मैं आज ही पढ़ रहा था, आज ही खबर है कि मोदी सरकार ने 62,000 स्कूलों को बंद कर दिया है। बताइए 62,000 स्कूलों का मतलब है कि आप समझिए, अगर 62,000 स्कूल आप पूरे देश में बंद कर देते हैं तो तकरीबन 3 करोड़ बच्चे जो शिक्षा ले सकते थे उनका आपने शिक्षा लेने का रास्ता बंद कर दिया। यानी बिल्कुल आप जाहिल रहे, जाहिल रहे, गवार रहे, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़े। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे क्या आएगा कि ताजमहल जो था वो जाटों का था, फिर आएगा ताजमहल जो है वो आगरा का राजघराने की लड़की कहेगी कि हमारा था। और आप समझिए, उसने दिया, कुमारी ने जिस तरह बयान दिया है कि हमारा था, अंग्रेजों को, मुगलों को हमने दिया था और ये हमें वापस मिलना चाहिए। तो इससे मुझे दूसरी बात याद आई, ये सारे राजा महाराजा इकट्ठे होकर एक दिन कहेंगे कि 1947 में हमारी रियासतें जो है भारत में मिली थी, हमें वापस मिलनी चाहिए, वापस मिलनी चाहिए और हमें सारी वापस दो, हम अपनी राजशाही कायम करेंगे। तो हिंदुस्तान का जो पूरा ढांचा है, जिसे हम एक हिंदुस्तान कहते हैं, जिसका सपना देखते हैं, वो तो फिर राजा महाराजाओं के पास चला जाएगा। और ये सरकार की जरूरत है कि उन्हें ये बयान देने के लिए खुश होती है कि दिया कुमारी ने बयान दिया है, हमारी एमपी ने बयान दिया है। अरे ये बयान अगर हैदराबाद की निजाम के लोग देंगे, जूनागढ़ के लोग देंगे, कश्मीर के लोग देंगे, राजा कर्ण सिंह जो है वो कश्मीर के महाराजा के तो वो हैं, पुत्र हैं, वो भी कहेंगे हमारा कश्मीर मुझे वापस करो। तो ये सरकार जो है गड़े मुर्दों के आड़ में ऐसे बिच्छुओं को एक डब्बे से बाहर निकाल रही है जो सबको काटेंगे। लेकिन इनको चूंकि अकल नहीं है, इनकी मति भ्रम है और इन्होंने जानबूझकर अपने देश में एक ऐसा वातावरण पैदा किया है कि अपना प्रतिरूप भी किसको बनाया है, केजरीवाल को। लोगों से पूछो तो ये आरएसएस के लोग कहेंगे या तो मोदी जी को वोट दे दो, नहीं तो केजरीवाल को दे दो। तो मैं केजरीवाल का ही पढ़ रहा था कि 68 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए पराली के डिसोल्यूशन वाले केमिकल को खरीदने में। अच्छा, और उसके लिए जो उन्होंने बयान दिए, जो एडवर्टाइजमेंट छपवाए, उस पर खर्च किए 32 करोड़ रुपए। यानी अगर 35 रुपए में 1 रुपए की तो आप वो दवाई खरीदो और 34 रुपए की अपनी पब्लिसिटी कर लो। जी, तो समझो एक बात कि जो मोदी जी करते हैं वो ये छोटा मोदी है ये केजरीवाल, और जो केजरीवाल करता है ये बड़ा मोदी है मोदी। तो आप इन दोनों चीजों को अगर समझ लेंगे तो समझ आ जाएगी कि ये देश में हमें जो है विकल्प भी जो है वो मोदी जी तय कर रहे हैं मेरा विकल्प कौन होगा। आरएसएस तय कर रही है हमारे विकल्प कौन होगा। पंजाब में कौन है, पंजाब में इन्होंने झूठ बोला
कि 300 हम जो है यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे, अभी तक नहीं दी, अभी तक वहां के लोग रो रहे हैं। दिल्ली में वो कह रहे हैं जी हम जो है लोगों से राय शुमारी करेंगे कि ये पूछेंगे जी कि तुम्हें बिजली चाहिए नहीं चाहिए फ्री। तो ये जो है घोटालेबाज लोग हैं, इनको लोगों को समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये आपको अपनी बतौलेबाजी से, अपने पब्लिसिटी से आपको मूर्ख समझते हैं, और समझते ही नहीं बल्कि मूर्ख बनाते भी हैं, और कहते हैं ये तो जनता तो है होती ही मूर्ख है। तो इस सब बात से अगर लोग नहीं जागेंगे तो महंगाई से ही परेशान रहेंगे, बेरोजगारी से ही परेशान रहेंगे, स्कूल भी बंद हो जाएंगे, रोजगार मिल नहीं रहा, रोजगार की आड़ में वो कहेंगे जी अब भगवा कपड़ा पहनो और दंगे फसाद करो। तो एक तरह से देश को पूरी तरह से विखंडित करने का काम जो कोई विदेशी दुश्मन हमारे देश में कर सकता है वो हमारी सरकारें खुद कर रही हैं जी। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है कि जिस सरकार की जिम्मेदारी देश में सिक्योरिटी और अच्छा माहौल बनाए रखने की थी, अब वो ही खुद ये देश को विखंडित करने का, देश में दुश्मनियाँ और नफरत फैलाने का काम सरकार कर रही है। ये बहुत ही तकलीफदेह है और तरक्की कहीं हो नहीं रही। और आपने बताया कि ये महंगाई अभी तो अप्रैल के आए हैं, मई में और इससे ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, आखिर कहाँ तक स्ट्रेच करेंगे? बच्चों को तालीम से रोका जा रहा है, 62,000 स्कूल बंद करने का मतलब आप समझिए कि क्या कुछ है। दिल्ली में भी स्कूल कॉर्पोरेशन बंद कर रही है, कॉर्पोरेशन। आप देखिए करोल बाग में जो है स्कूल की जगह उन्होंने ओमैक्स को बेच दी, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन कॉर्पोरेशन की जो उस समय की डिप्टी कमिश्नर है अभी की, हाँ। और जो वहां का जो मेयर है वो कहता है जी हम करके रहेंगे, स्कूलों को बंद करना आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का, विश्व हिंदू परिषद का एक ही कर्तव्य है कि स्कूल बंद करो और मंदिर बना दो, हाँ, और बच्चों को पढ़ने मत दो, और जब बच्चों को नहीं पढ़ने तो फिर ब्रेन वॉश करने का बहुत आसान रास्ता हो जाएगा और फिर गोबर खाने वाले और पेशाब पीने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। हमें, आपको, देश को, सबको कहाँ लेकर के जाएंगे ये लोग, ये इस पर सभी को गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने समय दिया। बहुत ही एक तरह से ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर आपने बात रखी और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी बेबाकी के साथ, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।